देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास जो है प्लांट है, ये पिंक गुड़हल का प्लांट है दोस्तों। और इसको देखिए कि इसमें कितना सुंदर इसमें फूल आया हुआ है और कितना बड़ा साइज में है। तो देखिए दोस्तों, इसको साइज कितना बड़ा है। तो इसका अगर पौधा में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है और इसका विकास नहीं हो रहा है दोस्तों, चाहे फूल नहीं आ रहा है, तो इसको कुछ मैं आज इसका सलूशन बताऊंगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ मेरा प्लांट जो है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें प्रूनिंग की थी, अब बिल्कुल छोटा कर दी थी इसको दोस्तों। तो इसमें देखिए कि कितना ज़्यादा इसमें ब्रांच आया है, चारों तरफ से इसको ब्रांच आया है। और मैं यहाँ इसमें दूसरा कलर का गुड़हल ऐड की हूँ। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैं रोज़ प्लांट को ऐड की हूँ। अगर ये बड़ा होगा, फूल आएगा, तो मैं फिर वीडियो से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि इसमें मैं कलर भी ऐड की हूँ, लेकिन यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ये मेरा जो प्लांट है वो पिंक कलर का है। और इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ भी इसमें कली भी आया हुआ है। और बिल्कुल इसका लीव्स भी देखिए कितना सुंदर सुंदर है। और इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत बिल्कुल ये स्वस्थ है, हेल्दी है। तो इस तरह से प्लांट को रखने के लिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आप अगर पहला नंबर तो आप कैसा मिट्टी में लगाए हैं, और मिट्टी अगर आपको अच्छा है तो इसको फिर भी इसको एक महीना पे इसको आप दवाई खाद पानी देते रहिए। पानी तो अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, अभी तो 5 दिन 6 दिन बाद ही पानी दिया कीजिए, जब पूरी तरह से लेयर सूख जाए। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ मेरा अभी इधर तो मेरा हम लोग के तरफ अभी पानी हो रही है दोस्तों। तो इसका मिट्टी अभी गीली है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 2 दिन हो गया। तो यहाँ मिट्टी देख रहे हैं कि इसको अभी गीली है। तो दोस्तों, इस तरह से प्लांट अगर ग्रोथ आपका कर रहा है और इसमें थोड़ा सा और भी कुछ डाल दीजिए, तो इसका बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ग्रोथ आ जाएगा और फूल भी इसमें ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा प्लांट यहाँ ये 16 इंच का पॉट में लगा हुआ है और इसको मैं हमेशा गुड़ाई करते ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें अभी जड़ आ गया है। जैसे इसका गुड़ाई करते रहिए तो ठीक है, नहीं तो इसका जड़ ज़्यादा भागता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ अभी गुड़ाई करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए किस तरह से इसमें जड़ बड़ा आ गया है। तो गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों कि इसको जड़ जो एक्स्ट्रा रहता है उसको कट जाता है, कटता है तो इसको फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप हमेशा इसमें 15 दिन 1 महीना पर हमेशा गुड़ाई करते ही रहिए। तो जैसे जड़ इसका ज़्यादा भागता है तो आप गुड़ाई ना करिएगा तो इसमें फिर जानते हैं दोस्तों कि ज़्यादा पूरा नीचे की ओर से बांधते हुए ऊपर की ओर चलाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं दीजिए, गुड़ाई करिए और 2 साल हो जाए 3 साल तभी इसका पॉट चेंज करा कीजिए। और नहीं गुड़ाई करिएगा तो इसको जल्दी से पॉट भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से पहला नंबर हो गया। दूसरा हुआ कि इसको मिट्टी देखिए कि मैं इतना भुरभुरी रहती हूँ, इसको रेतीली मिट्टी पसंद रहता है और इसको रेतीली मिट्टी बनाइए। और अगर आपका पौधा में जड़ नहीं है, भाग रहा है, जड़ ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसको कुछ मैं आज ऐड करूंगी इसमें। तो इसको मुझे बड़ा भी बनानी है तो मैं भी इसमें ऐसा, तो ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी है, अच्छा भी है, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इस तरह से करिए तो आपका पौधा भी बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। गमला में ही, ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन होना चाहिए, गमला में ही बहुत ज़्यादा इसको बड़ा कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें कुछ आज खाद ऐड करूँगी। तो जैसे मैं आप लोग के दिखाना चाहती हूँ दोस्तों कि देखिए यहाँ पर जो मैं इसमें ली हूँ, तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका सूखी हुई चाय की पत्ती है और ये है से सुपर सर्फेक्ट है। ये जड़ भगाने में बहुत ज़्यादा काम करता है, इसको आप थोड़ी सी ही डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा जड़ आएगा और जड़ आएगा तो भारी मात्रा में ग्रोथ भागेगा। अरे थोड़ी सी पोटास है दोस्तों, तो इसको मैं आज इसमें ऐड करूँगी। और दूसरा बात है कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर मिट्टी में मैं थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दी हूँ, गोबर की खाद मिला दी हूँ और इसको भी मैं ऐड करूँगी। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ गीला मिट्टी है तो मैं इसको पहले ऐड कर देती हूँ इस तरह से। और दोस्तों, इसको देखिए कि इसी तरह से आप इसमें ऐड कर दीजिए।
अब ऐड करने के बाद दोस्तों इसको इस तरह से मिला दीजिए, मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद आप इस तरह से इसको खाली बस इस तरह से करना ही है, चारों पट्टी इसको मिला दीजिए। और जब ये हल्का हल्का इसमें अभी नमी है दोस्तों, इसमें पानी डालिएगा तो देखिएगा दोस्तों धीरे धीरे जब ये छन छन के पानी नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ और फूल विकास बहुत ज़्यादा इसमें भाग जाएगा। जैसे मेरा देखिए सभी प्लांट बहुत बड़ा बड़ा रहता है, मैं अपना प्लांट को बड़ा बनाकर ही रखती हूँ। और इसको प्रूनिंग हमेशा किया कीजिए। अगर देखिए कि मेरा प्लांट छोटा है तो दोस्तों इसको क्या करनी है कि जैसे ये फूल खिल गया, ये फूल खिल गया तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ इधर से यहाँ से आप कट किया कीजिए। कट करने के बाद जब जानते हैं कि यहाँ ये सब फूल खिल जाएगा तो आप इसको प्रूनिंग यहाँ से इस तरह यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह से दो भागेगा। चाहे जहाँ भी हो अगर यहाँ फूल खिल जाए तो नीचे की ओर से यहाँ से आप इसको कट कीजिए। तो जितना ही प्रूनिंग करिएगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सीजन है कहती प्रूनिंग करने का। हाँ, हार्ड प्रूनिंग करने का सीजन होता है, हार्ड प्रूनिंग आप जब मत कीजिए, सौठी प्रूनिंग कीजिए तो आपका ज़्यादा फायदा भी रहेगा। अगर ज़्यादा लचोर पौधा हो जाता है तब हार्ड प्रूनिंग होता है। तो जैसे कि देख रहे कि यहाँ कितना सुंदर सा फूल इसमें आया हुआ है, तो मैं इसमें खाद ऐड कर दी हूँ दोस्तों। और इसमें पानी डालनी है तो मैं अभी पानी नहीं डालूँगी क्योंकि यह अभी गीला मिट्टी है, इसको थोड़ा सा मैं सूखने दूँगी क्योंकि हल्का हल्का अभी इसमें नमी है तो अब्जोर कर लेगा ये, इसको मैं पानी बाद में डालूँगी। तो जैसे चाय पत्ती हुआ तो चाय इसका सॉइल को एसिडिक बनाती है और इसमें फूल साइज से मिलता है, साइज बढ़ाता है, साइज इसको बढ़ाएगा, सॉरी दोस्तों, साइज इसको बढ़ाता है। चाय एसिडिक बनेगा तो इसका जैसे देख रहे कितना बड़ा फूल है, तो इतना बड़ा साइज बनाने के लिए इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती डालनी पड़ती है। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मैं तो बहुत सा वीडियो ऐसा बनाई हूँ कि अगर आपका चाय की पत्ती नहीं है तो आप एप्पल विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर डाल दीजिए, नींबू का डाल दीजिए, जो भी मैं बहुत सा ऐसा वीडियो बनाई हूँ जो आपके पास अवेलेबल हो किचन में उसी को आप डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं तो अपना प्लांट की इसी तरह से बड़ा करती हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी प्लांट बहुत बड़ा साइज में भी होगा, फूल का साइज बड़ा होगा, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आएगा। और इसमें कोई खर्चा वर्चा की बात नहीं रहती है दोस्तों, खर्चा की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बेफिक्र होकर बस एक पौधा लाइए और इसमें कलर ऐड भी कर दीजिए। कलर ऐड करने के लिए भी मैं बताई हूँ कि कैसे होता है और उसको मैं दिखाई भी हूँ कि किस तरह से खिलता है। तो आप वैसा अगर करते हैं दोस्तों तो अच्छा है, आपका भी प्लांट उसी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो यही काम करती हूँ। और अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ कि अधिक से अधिक फूल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा तो उसमें क्या डलाता है, उसको भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। और इसको बस पानी को मात्रा कम कर दीजिए, अभी ठंड का मौसम है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई खाद नहीं है, ये सब भी नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, बस सिर्फ गोबर की खाद डाल दीजिए या पत्ती की खाद डाल दीजिए, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ भाग जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसमें ग्रोथ नहीं आएगा, वैसा नहीं होता है दोस्तों। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डालिए और आपका पौधा में ग्रोथ भी आएगा और फूल भी आएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक लेकर।